नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बाहर बिना काम के नहीं निकल रहे होंगे, कोरोना के खिलाफ लड़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में हम करेंगे SSC CGL मेंस 2019 के पाइप एंड सिस्टर्न का पार्ट टू। ठीक है, इसमें हम टोटल 12 क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले 7 फिर 5, और वो 5 लास्ट के 5 जो हैं वो SSC CGL मेंस में कभी ना कभी पूछे गए हैं, कुछ प्री में भी पूछे गए हैं। तो सारे अच्छे क्वेश्चंस करने के बाद ये पाइप एंड सिस्टर्न ख़त्म होगा, उसके बाद मैं आपके लिए PDF कंपाइल कर रहा हूँ। इस वीडियो के जो 12 क्वेश्चन होंगे इसकी PDF मैंने कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन मेरी वीडियो देखने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व ना करते रहें। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन स्पीड के लिए लास्ट में ये खोजते फिरेंगे कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो आप लोग प्लीज़ खुद भी सॉल्व कर लिया करें, और मुझे बड़ा दुख है कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और टैब अभी नहीं लिया मैंने, टैब ले लूँगा फिर आपको अच्छे से मतलब बेहतर ढंग से, थोड़ी सी वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब क्वालिटी तो मैटर करती ही करती है, साथ में थोड़ा सा आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बेस्ट मिले, तो वो भी कोशिश जारी है, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बकवास हो गया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, कहा कि ये टैंक कैन बी फिल्ड बाई ए टैप इन 20 मिनट्स एंड बाई अनदर टैप इन 60 मिनट। यानी एक टंकी है जो किसी नल द्वारा 20 मिनट में भरी जा सकती है और दूसरे टैप द्वारा 60 मिनट में भरी जा सकती है। क्योंकि बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स एंड देन द फर्स्ट टैप इज शट ऑफ। यानी कि दोनों को 10 मिनट तक खोला जाता है साथ साथ, उसके बाद पहली टैप को पहले नल को बंद कर दिया जाता है। क्योंकि आफ्टर दिस द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड इन व्हाट टाइम। यानी कि इसके बाद वाला समय पूछा गया कि कितनी देर में टैंक आपका यानी टंकी जो है वो पूरी तरह से भर जाएगी, यही पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। कहा गया कि दो नल हैं जो 20 और 60 मिनट में, पहला 20 मिनट में दूसरा 60 मिनट में भर सकता है, और दोनों को खोला जाता है, 10 मिनट तक खुला रहने दिया जाता है, उसके बाद पहले वाले नल को बंद कर दिया जाता है। आफ्टर दैट पूछा गया है आपसे कि कितना समय लगेगा पूरी टंकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पूरे भाग को भरने में। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो पहला टैप 20 मिनट में भरता है, दूसरा कितने देर में दिया गया, 60 मिनट में। ठीक है, अच्छा 20 और 60 का एलसीएम ले तो आ जाएगा 60, इसी को मान लीजिए टंकी की कुल धारिता, यानी टंकी में 60 लीटर टोटल वाटर या कुछ भी आता है। ठीक है, अगर ए 20 मिनट में भरता है हम कह सकते हैं 3 लीटर पर मिनट, बी 60 मिनट में यानी 1 लीटर पर मिनट। अब दोनों को कहा गया एक साथ खोला गया, दोनों मिलके एक मिनट में कितना करेंगे, 4 लीटर भरेंगे, और कहा गया इनको कितने मिनट तक खोला जाता है, 10 मिनट तक, यानी कि इन्होंने 40 लीटर तो भर दिया। अभी बचा कितना है, 60 था, 40 भरा जा चुका है, यानी 20 लीटर भरा जा चुका है, बहुत सॉरी 20 लीटर बचा हुआ, 40 भरा जा चुका है यानी बचा हुआ 20 लीटर। अब आपसे कहा गया आफ्टर दिस द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड इन व्हाट टाइम। एक चीज़ बताइए मेरे भाई कि पहला टैप तो बंद कर दिया गया, इसका काम खत्म हो गया, काम कौन कर रहा है, केवल सेकंड भरता है 1 लीटर प्रति मिनट, इसको भरना कितना है 20 लीटर, तो कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट। तो आपका आंसर हो गया 20 मिन, आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया, आप मार्क कर लीजिए और अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो ये भी देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा SSC CGL मेंस में कि आपसे हो ना, बस आपको बेसिक पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन चाहे कैट का हो, हालांकि मैंने कैट के लगभग पेपर सॉल्व किए हैं 90% कह सकते हैं, और मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें लगे कि ट्रिक मस्ट है, मैं बेसिक से सोच के कर देता हूँ, तो आप भी वैसे कर सकते हो, मुझसे अच्छा कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कहा गया ये वाटर टैंक इज 2/5 फुल, 2/5 हिस्सा कोई टंकी भरी हुई है। कहा कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी आर फिल द टैंक कम्प्लीटली। ध्यान दीजिएगा, कहा गया एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है, ठीक है, और कहा गया एक नल है ए जो इसको 10 मिनट में भर सकता है, और एक नल है बी जो इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। अब आपसे कहा गया कि कितनी देर खोला जाए इन टंकियों मतलब इन नलों को, ताकि या तो टंकी पूरी भर जाए या तो पूरी खाली हो जाए। अगर खाली हो जाएगी तो वो समय पूछा गया सबसे पहले, और अगर भर जाएगी तो वो समय पूछा गया। अच्छा 10/6 का एलसीएम कितना हो गया, 30 लीटर। हम मान लेते हैं टंकी पूरी 30 लीटर की है, कहा गया इसका 2/5 भाग भरा हुआ है यानी 12 लीटर इसमें पानी है, ठीक है।
अगर ये 10 मिनट में भरता है तो यानी कि 3 लीटर प्रति मिनट, भी 6 मिनट में भरता है यानी 5 लीटर पर 6 मिनट में खाली करता है यानी 5 लीटर प्रति मिनट खाली करता है, ये 3 लीटर भरता है। अब कहा गया अगर ए और बी एक साथ खोल दिया जाए तो आपको पता है 3 लीटर पानी गिरेगा और 5 लीटर निकलेगा यानी 2 लीटर 1 मिनट में खाली होगी टंकी। हमसे कहा गया कि 12 लीटर टंकी में पानी है, आपको पता है 1 मिनट अगर दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं तो 1 मिनट में ये 2 लीटर पानी खाली कर रहे हैं तो 12 लीटर खाली होगा कि भरेगा। आप कह रहे 2 लीटर 1 मिनट में खाली हो रहा है तो भर तो सकती ही नहीं, यानी 6 मिनट में 12 लीटर खाली करना है, 2 लीटर पर मिनट खाली हो रहा है यानी 6 मिनट में इम्पटी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के लैंग्वेज वाला पहली बार आपने देखा होगा कि 6 मिनट टू इम्पटी, 7 मिनट टू फुल, 6 मिनट टू फुल, 7 मिनट टू इम्पटी। लेकिन अब SSC CGL इतनी मॉडर्न होती जा रही है कि वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है। लैंग्वेज थोड़े सा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ऑप्शंस थोड़े से अच्छे लगे होंगे आपको। कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कहा गया इस सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई अ टैप इन 4 आवर्स वाइल इट कैन बी इम्पटीड बाई अनदर टैप इन 9 आवर्स। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन आफ्टर हाउ मच टाइम सिस्टम विल गेट फिल्ड। कहा गया एक नल है जो किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल है जो इसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। 4 में भर सकता है, 9 में खाली कर सकता है। पहला वाला 4 में भरता है, दूसरा 9 में खाली कर सकता है। क्योंकि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, सिंपल सा प्रश्न है। कैसे करेंगे देखो, इसको मैं थोड़ा तेज करूँगा। देखो ए 4 बी 9 में खाली करता है, LCM 36 लीटर यानी 36 लीटर कुल धारिता, यानी ये 9 लीटर प्रति मिनट भरता है, ये 4 लीटर खाली करता है। अगर दोनों साथ में कार्य करेंगे तो आपको पता है ए बी मिलके 9 - 4 यानी 5 लीटर प्रति मिनट भरेंगे, 36 भरना है तो 36/5 लगने वाला है यानी 7.2 आवर में टंकी हमारी फुल भर जाएगी। ठीक है, 7. कहा गया टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ बकेट इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। ये बोथ आर ओपन एंड ई ए इज क्लोज आफ्टर 3 मिनट्स। हाउ मच फर्दर टाइम वुड इट टेक फॉर बी टू फिल द बकेट। ध्यान दीजिएगा, टंकी दी गई है जिसको ए 12 मिनट में भरता है, बी 15 मिनट में भरता है। कह गया अगर दोनों को खोल दिया, 12 15 कैल्शियम 60 लीटर टंकी की कुल धारा यानी ये 5 लीटर भरता है, ये 4 लीटर भरता है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दोनों को खोला जाता है लेकिन ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, यानी ये दोनों कार्य करते हुए 3 मिनट तक साथ में कार्य करते हैं यानी 27 लीटर भर देते हैं। और कहा गया फिर उसके बाद किसको बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है। 60 भरना था, 27 भरा जा चुका है यानी कि 33 लीटर अभी भरना है और ए को बंद कर दिया गया यानी अब बी को भरना है। बी 33 लीटर कितनी देर में भरेगा, 33/4 यानी 8, 1/4 यानी 8 मिनट 15 सेकंड यानी कि 8 मिनट 15 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। कहा गया ये लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। यानी कि एक टंकी है जो अगर पानी से भरी हो तो उसमें कहीं छेद होने के कारण यानी लीकेज होने के कारण 6 घंटे में खाली हो जाती है। कह गया एन इनलेट पाइप यानी कि जो प्रवाहित करता है, इसमें पानी गिराता है, पानी जो भरता है, फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर्स अ मिनट। यानी कि वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी टंकी में भर देता है, जो भरने वाला नल है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी टंकी में भर देता है। कह गया व्हेन द टैंक इज़ फुल यानी कि जब टैंक भरा होता है यानी टंकी भरी होती है, द इनलेट इज ओपेंड एंड ड्यू टू द लीक इन द टैंक इज इम्पटी इन 8 आवर्स। यानी कि इनलेट और लीकेज दोनों साथ में कार्य कर रहे होते हैं यानी भरा भी जा रहा है और लीक भी हो रहा है, तो 8 घंटे में हमारी पूरी भरी हुई टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। तो कहा गया कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की, ध्यान से देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा। देखो अगर हम बात करें लीकेज की तो वो 6 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकते हैं यानी हम कह सकते हैं 1 घंटे में 1/6 खाली कर देता है। ठीक है, 1/6 पार्ट माइनस इस वजह लगा क्योंकि ये खाली करता है। ठीक है, अच्छा अगर लीकेज और इनलेट दोनों एक साथ कार्य कर रहे होते हैं तो आपसे कहा गया 8 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाती है यानी 1 घंटे में 1/8 पार्ट खाली होता है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक चीज़ बताओ, देखो यहाँ से लीकेज की अगर हम वैल्यू रख दें यानी -1/6 प्लस इनलेट इज इक्वल टू हो गया -1/8 यानी इनलेट बराबर हो गया 1/6 - 1/8 यानी 1/24। यानी कि जो हमारा भरने वाला है वो 1 घंटे में 1/24 पार्ट भर देता है, 1 घंटे में 1/24 पार्ट भर देता है, या हम कहें कि 24 घंटे में टंकी को भर सकता है। इनलेट जो है वो 24 घंटे में टंकी को भर सकता है। अगर 1 घंटे में 1/24 पार्ट भरता है तो हम कह सकते हैं 24 घंटे में टंकी को भर देगा। आपको पता है 24 घंटे में कितने मिनट, 24 × 60, और 1 मिनट में ये 4 लीटर भरता है तो इतनी देर में कितना लीटर भरता होगा, 4, यानी कि
टंकी हमारी पूरी भर गई। अरे देखो 24 घंटे पूरी यानी कि 24 गुड़े 60 मिनट में पूरी, ठीक है। और एक मिनट में अगर 4 लीटर भरता है 24 गुड़े 60 मिनट में, 24 गुड़े 60 गुड़े 4 और आपसे कहा गया टंकी भर गई, तो 24 गुड़े 240 यानी कि 5760 लीटर हमारे टंकी में पानी आता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। डन, अगले प्रश्न पे आए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहा गया पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड 6 आवर्स, पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड। देखो ए भरता है 5 घंटे में, बी भरता है 6 घंटे में, और सी बहन जी अब भाई साहब जो है वो 12 घंटे में खाली कर देते हैं। माइनस लगा दीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। 5 6 12 का एलसीएम लिया हमने, 60 लीटर आ गया, यानी ये 1 घंटे में 12 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 10 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 5 लीटर निकालता है। क्योंकि अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाए यानी 12 10 22 और 5 निकलेगा यानी 17 लीटर एक घंटे में कार्य हो रहा है, तो कहा गया 60 खाली होने में कितना समय लेगा। आप कहेंगे 60 खाली करना है, 17 एक घंटे में हो रहा है, 17 3 51 9/17 घंटे लगने वाले हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो ये भी सड़ा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि मेंस में अलग दर्जे का प्रश्न आता हो, अगर अलग दर्जे का पढ़ोगे कोई फायदा होने वाला है नहीं। ऐसे प्रश्न पढ़ो जिनकी रिलेवेंसी हो, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, जो आने वाले हों, ठीक है, और जो आपको माइंड भी खोले। एक दो प्रश्न ऐसे भी कर लिया करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि रिलेवेंट चीज़ें पढ़ते रहें और मेंस में नंबर आए 8 10 20 मतलब 100 के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप 8 नंबर सोचते रहो। क्योंकि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 and 4 hours, ए और बी 6 और 4 घंटे में भर सकते हैं। हम कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं। इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स एंड इफ पाइप ए इज ओपन फर्स्ट इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक शैल बी फुल। क्योंकि ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में, एलसीएम ले लीजिए 12 लीटर अगर हमारी टंकी की कुल धारता है तो ये 2 घंटे में भर देगा, 3 घंटे में भर देगा। अब आपसे कहा गया कि ये अल्टरनेट खोले जाते हैं यानी पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, फिर तीसरे घंटे फिर चौथे घंटे भी, मतलब ऐसे ऐसे खोले जाते। पहले घंटे ए आया, इसने 2 कार्य कर दिया, दूसरे घंटे तीन आया, बी आया, ये 3 कार्य 3 लीटर भर के चला जा रहा है, यानी कि 2 घंटे में हम कह सकते हैं कितना लीटर भर गया, 5 लीटर। यानी हम कह सकते हैं 4 घंटे में कितना भर जाएगा, 10 लीटर। 11 पाँचवें घंटे कौन आएगा, 4 घंटे में 10 लीटर भर गया, पाँचवें घंटे कौन आएगा, ए, क्योंकि ये विषम वाले पहले ये शुरू करता है तो पाँचवें घंटे यही आएगा, पाँचवें घंटे ये आके 2 लीटर और भर देता है। टंकी में हमारे कितना पानी हो गया, 12 लीटर, हमें भरना कितना था 12 लीटर, तो कितने घंटे लगे, 5 घंटे, खत्म हो गया ना। तो मैंने कहा था पहले 7 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर आएंगे अगले 5 क्वेश्चंस पे। आई होप आपको 7 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा सा बैक जाइए, फिर से देखिए और फिर आगे आइए, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छा है, मज़ेदार है, सीजीएल में पूछा गया है, करना ज़रूरी है। क्योंकि 2 टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन देन ड्यू टू अ लीकेज इट टूक 30 मिनट मोर टू फिल द टैंक, इफ द टैंक इज फुल हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द लीकेज अलोन टू एम्प्टी द टैंक। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ए बी 5 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। अगर ये 5 और 20 घंटे में भरते हैं, हम कहें दोनों साथ में भरें तो कितना दे लेगा, 5 × 20 = 5 × 5 = 20 यानी कि 4 घंटे लगेंगे। क्योंकि अगर दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो एक लीकेज के कारण इन्हें 30 मिनट ज़्यादा लगता है टैंक को भरने में। यानी ए बी और लीकेज को हम सी माने, ए बी और सी कार्य कर रहे होते हैं एक साथ, तो कितना 30 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी 4 घंटे से किसे 30 मिनट ज़्यादा, जितने समय में ये दोनों मिलकर अकेले कर सकते थे उससे 30 मिनट ज़्यादा, यानी 4 ए और बी मिलकर 4 घंटे में भरते उससे 30 मिनट ज़्यादा, यानी ये 9/2 घंटे में भर सकते। अब आपसे कहा गया कि इफ़ द टैंक इज फुल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर द लीकेज अलोन टू एम्प्टी द टैंक। ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भरते हैं, 1/4 माइनस सी इज इक्वल टू, आपको पता है 9/2 घंटे पूरा भर सकते हैं, यानी 2/9 1 घंटे में भरते हैं, यानी सी बराबर हो गया 1/4 माइनस 2/9 यानी कि 1/36। यानी कि सी कितने घंटे में भर सकते हैं, सी 1 घंटे में 1/36 खाली करता है, यानी सी 36 घंटे में पूरा खाली कर सकता है, यही आपसे पूछा गया था, समझ आ गया ना। फिर से देखिए, मैंने थोड़ा स्मार्टनेस यहाँ पे इस वजह दिखाई। देखो ए 5 घंटे में, बी 20 घंटे में, दोनों मिलके 5 × 20 = 5/5 × 20 यानी 5 × 20 = 5/20 यानी कि 100/25 यानी 4 घंटे में दोनों मिलके भर देंगे। क्योंकि ए बी और एक लीकेज कार्य कर रहा होता है तो इसको इससे आधे घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी 9/2 घंटे लगते हैं। यानी ए और बी अगर 4 घंटे में पूरा भर सकते हैं, इट मीन्स दे कैन फिल 1/4 ऑफ अ टैंक
इन वन वन आर, ठीक है, इन अ सिंगल आर। तो आपसे कहा गया 1/4 ए प्लस बी की वैल्यू होगी माइनस सी, और ये अगर 9/2 घंटे में पूरा भरते हैं, यानी इट मीन्स कि ये 2/9 पार्ट 1 घंटे में भर देते हैं, यानी 1/4 माइनस सी बराबर 2/9, यानी सी की वैल्यू हो गई 1/36, यानी सी 1 घंटे में 1/36 पार्ट भरता है, तो पूरा पार्ट भरने के लिए 36 घंटे लगेंगे। डन, अगले प्रश्न पे आए, गौर से देख लो इस वाले भी प्रश्न को। कहा गया टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 आवर्स। हैड दे बीन ओपन सेपरेटली देन बी वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन ए टू कम फिल द सिस्टर्न, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई ए टू फिल द सिस्टर्न सेपरेटली। कहा गया दो पाइप ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 4 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए और बी अगर साथ में कार्य कर रहे हैं तो ये 4 घंटे में भर सकते हैं। कहा गया कि अगर वो अलग अलग खोले गए होते तो बी को 6 घंटे ज़्यादा लगते किससे, ए से टैंक को भरने में, यानी कि ए को जो भी समय लगता है उससे भी 6 घंटे ज़्यादा लेता है, अगर ए टी लेता तो ये टी प्लस 6 लेता। अब आपसे कहा गया हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई ए टू फिल द सिस्टर्न सेपरेटली, आपको टी की वैल्यू निकालनी। आपको पता है अगर ये टी घंटे में भरता है, टी प्लस 6 घंटे, तो दोनों मिलके टी इंटू टी प्लस 6 अपॉन टी प्लस 6 यानी 2t+6, ये बराबर दिया गया 4 घंटे, यानी हम कह सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 6t इज इक्वल टू 8t+24, यानी कि हम कह सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू सॉरी माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि टी की वैल्यू अगर 6 रख दें, 36 - 12 - 24 = 0, यानी टी बराबर हो गया 6 घंटे, टी बराबर 6 घंटे, यही पूछा गया था टी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन 6 घंटे। हमने कोई ट्रिक यूज की नहीं, ठीक है, और हमने कर लिया कम बहुत कम समय में, तो ऐसे आप अगर सोचेंगे तो आराम से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप, इफ टुगेदर द टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स देन द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। कहा गया एक जो नल है वो किसी टंकी को दूसरे नल से 3 गुना तेजी से भर सकता है, यानी कि हम मान लें अगर पहला ए है तो दूसरा बी अगर होगा तो ए बराबर 3 भी दिया गया है यही। इफ टुगेदर द टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, यानी ए और बी मिलके 36 मिनट में भर सकते हैं, तो आपसे पूछा गया स्लोअर वाला यानी बी कितनी देर में भरेगा, यही पूछा गया। ए बराबर 3 भी, यानी ए अगर 3 लीटर भरता है तो बी 1 लीटर, यानी दोनों मिलके 3 × 4 36 मिनट लगता है, यानी अगर एक मिनट में 4 भरते हैं तो 36 मिनट में 4×36 यानी टंकी कुल इतने की हो गई। आपसे पूछा गया स्लोअर वाला यानी बटे 1 कर देना है, यानी 4×36 144 मिनट इनको लगने हैं, काम खत्म हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते, तो इतने सारे प्रश्न भी आपके सीजीएल मेंस में पूछे, अच्छा पूछे यही सब प्रश्न जाएंगे, और आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे कि 70-70 पाइप लेके चलोगे, 30 टंकियाँ ले लोगे, तो ऐसे पढ़ते रहोगे और एग्जाम में जाके तो आपको लगेगा बहुत ईजी और कर कुछ नहीं पाओगे। कहा गया ए टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप्स ए बी सी, यानी ए बी सी अगर तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो 5 घंटे में किसी टैप को भर देते हैं। कहा गया पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, सी बराबर है 2 बी के एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, यानी बी 2A के बराबर है। तो कहा गया हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिल द टैंक, ध्यान दीजिएगा अगर सी 2B के बराबर है, यानी हम 4A कह सकते हैं, ये 2A और ये, यानी ए प्लस 2A प्लस 4A यानी कि 7A अगर कार्य करें तो 5 घंटे लगते हैं, यानी ए अकेले कितने देर में भर देगा, 5×7 = 35 घंटे, काम खत्म। ये भी प्रश्न आपके सीजीएल मेंस में आया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। और एक और लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। कहा गया ये टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो, यानी कि एक जो टैंक है वो भरा जाता है 3 अलग अलग पाइप से जो मतलब भर रही हैं टंकी को। कहा गया था फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द 3rd पाइप अलोन, यानी कि पहली 2 पाइप्स मिलके टैंक को उतनी देर में भर देती हैं जितनी में तीसरी वाली अकेले भरती है, पहली 2 मिलके सी के मतलब तीसरी वाली के बराबर समय लेती है टंकी को भरने। कहा गया सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर दैन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स स्लोअर दैन द 3rd पाइप द टाइम रिक्वायर्ड बाय द 1st पाइप, यानी कि कहा गया दूसरी पाइप जो है वो पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से और दूसरी मतलब तीसरी पाइप से 4 घंटे धीरे भरती है, यानी कि तीसरी पाइप से 4 घंटे ज़्यादा लेती है और पहली पाइप से 5 घंटे कम लेती है।
टंकी को भरने में। कहा गया कि पहली पाइप द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय क्या होगा, यही पूछा गया। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, ए बी सी तीन पाइप, ठीक है। अच्छा, कहा गया फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप। एक चीज बताइए, और यहाँ पे दिया गया दूसरे में कि दूसरी पाइप जो है वो पहली पाइप से 5 घंटे कम का समय लेती है, यानी अगर ये बी एक्स लेती है तो ए एक्स प्लस पाइप लेती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग और लगाइएगा। एक चीज बताइए, ए एक्स प्लस फाइव लेती है, ये एक्स लेती है, ठीक है। और आपसे कहा गया सी बराबर है ए प्लस बी, सी बराबर है ए प्लस बी, मतलब सी जो है ए प्लस बी के बराबर कार्य करती है, तभी समान समय लेती है, ए और बी के एक साथ करते हुए जितना समय लगता है उतने के बराबर सी अकेले लेती है। तो आपको सी बराबर ए प्लस बी भी दिया गया है, और ए भी दिया गया है कि जो दूसरी पाइप है यानी ये तीसरी पाइप से 4 घंटे धीरे भरती है, यानी तीसरी पाइप एक्स माइनस फोर समय लेती है। समझ में आया, हम कह रहे हैं कि बी अगर एक्स में भरती है तो ए चूंकि बी से 5 घंटे ज़्यादा लेती है यानी ए एक्स प्लस फाइव लेती है, और सी जो है वो बी से 4 घंटे कम लेती है यानी एक्स माइनस फोर। और आपको एक चीज़ दिया गया कि सी जो है ए और बी एक साथ टंकी को भरे उतना समय लेती है। अब एक चीज़ बताइए, ए अगर एक्स प्लस फाइव लेती है, बी एक्स लेती है, तो सी कितना लेगी, दोनों एक साथ एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव और अपान टू एक्स प्लस फाइव यानी टू एक्स प्लस फाइव। समझ रहे हैं ना कि ए अगर एक्स प्लस फाइव लेती है, बी एक्स लेती है, दोनों मिलके इतना समय लेंगी, और आपको यही बराबर दिया गया x माइनस फोर, यही समय बराबर x माइनस फोर भी दिया गया, बस खत्म हो गया। सॉल्व कर लीजिए तो हो गया 2x² माइनस 8x प्लस 5x यानी माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x दिया गया, यानी 2x² माइनस x² तो हो गया x² माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे x बराबर 10 रख दो मेरे भैया, तो ये 10 100 हो गया, ये 80 हो गया, 20 हो गया, यानी x बराबर हो गया 10, एक्स बराबर 10। और आपसे पूछा कितना किसका गया था कि पहली पाइप कितना समय लगाती है, तो एक्स बराबर अगर 10 आ गया तो 10 × 5 = 15। समझ आ गया ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप अगर ज़्यादा सोचते एक्स नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हो सकता था समय ज़्यादा लग जाता, लेकिन कितनी आसानी से आपने कर लिया, हमने कर लिया 12 प्रश्न, आपको उबन हुई नहीं हुई होगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगा होगा, अगर वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंपटीशन प्रिपरेशन को, और शेयर भी कर दीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग बस इतना एक तरह से मेरा सपोर्ट करें, बस थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, ठीक है, और दोस्तों को, दो चार दोस्तों को पकड़ के सब्सक्राइब करवा दिया करें कि पढ़ो, ठीक है। और एक चीज़ और, चैनल तो आपने लोगों तो देखा ही होगा, ऐसे लोगो बना है, लोगों कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, और आपको क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगी इस वीडियो में वो भी बताएं, ठीक है, और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ये तो मस्ट है बताना। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, बंदे।